happened? हाँ शाम को ये दे दो ना अपॉइंटमेंट, हूँ मैं शाम को 6:30 बजे. ठीक है ओके ठीक है अभी मैं अभी बेल बजाने के बाद आना. ओके हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर दीपा हियर एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन. आज थोड़ा सा अलग टॉपिक लेके आई हूँ फ्रॉम दी थ्रू आउट माय जर्नी. It is regarding to stress and anxiety. How to overcome your stress and anxiety. You can say it's of my personal experience or mera patients ka experience hai. So there are a few things, almost 4-5 to 6 things are there where you can work out how to get out of your stress and anxiety. I know this 5 to 6 things will not fix your problem, but at least it will help you to release your stress and anxiety from your day-to-day life. For first of all, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगी, अगर आपको किसी चीज से या किसी पर्सन से एंजाइटी और स्ट्रेस हो रहा है तो गो एंड टॉक टू दैट पर्सन. ट्राई करो कि रिजॉल्व थिंग्स एज अर्ली एज पॉसिबल हो जाए. अगर वो काम नहीं कर रहा है देन माई दिस अदर फॉलोइंग थिंग्स विल रियली हेल्प यू, नॉट इन फुल 100% वेज, बट येस अप टू सम एक्सटेंट इट विल हेल्प यू टू कीप यू पॉजिटिव. माई फर्स्ट टिप विल बी स्टे अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और द पर्सन जिसके वजह से आपको स्ट्रेस और एंजाइटी हो रही है. In the sense, agar if you are getting stressed out by some project or by some work which is there in office or some colleague of yours, agar usse aapka stress or anxiety or depression ho raha hai, possible karo jitna aap unse dur rahe. For some days at least you try doing that. ये करने से एक चीज होगी कि बार बार वो चीज सामने नहीं आएगी. अगर वो चीज सामने नहीं आएगी तो आप उसके बारे में ज्यादा सोचोगे नहीं, तो आपका ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा नहीं. दैट विल बी माई फर्स्ट टिप. माई सेकेंड टिप विल बी द लाफ्टर. एज एवरीबडी नोज लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. हो सके उतना खुश रहने की कोशिश करो. ट्राई कीपिंग योर सेल्फ समवेयर एंगेज. जो चीज आपको ज्यादा खुशी देती है उस चीज में अगर आप ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओ तो इट विल बी द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू टू योर सेल्फ. माई थर्ड टिप विल बी जॉइन और इंक्लूड योर सेल्फ इन सम गुड एक्टिविटी. नाउ जॉइन एंड इंक्लूड इन सम गुड एक्टिविटी का मतलब होता है आपकी जो हॉबीज है या आपको जो चीज अच्छी लगती है, फॉर एग्जाम्पल गार्डनिंग हो सकती है, साइकिलिंग, बाइकिंग, जिम हो सकता है, there are so many things, cooking ho sakti hai, there are so many things in this world in which you feel happy or engage yourself. Aap yoga classes join kar sakte ho, aap meditation classes join kar sakte ho. Aise cheezon mein apna mind hamesha engage karke rakho, usse do cheez hogi. Ek to jo cheez aap kar rahe ho usse to पॉजिटिव इफेक्ट आएगा बॉडी पे, एंड सेकेंड थिंग आपका माइंड थोड़ा सा स्ट्रेसफुल थिंग से हटके कुछ अच्छी जगह पे अटैच हो जाएगा. दैट इज माय थर्ड टिप. माय फोर्थ टिप इज द म्यूजिक. आई हैव सीन मेनी पीपल दोज हु आर इन डिप्रेशन, मेरे खुद के पेशेंट्स है या ऑन माई सेल्फ ऑल्सो आई हैव ट्राइड आउट दिस. अगर मुझे किधर साइकिलिंग बाइकिंग करने का मूड नहीं कर रहा है, इफ आई एम नॉट फीलिंग गुड, sometimes it might happen with everybody because we all are human being, ups and downs of life hote rehte hain. Try listen to a very good music. Ek acha music ka collection bana ke apne ye mobile mein rakho, apne aaju baaju aap jahan rehte hain us vatavaran mein rakho. In my clinic also I have good music system. At my home I have good music system. Main jahan rehti hu I try to make sure ki mere aaju baaju kuch na kuch music chalu rahe. Mostly main mantra zyada sunti hu, so yahan clinic as well as my house hamesha mere background mein mantra chalu rahega. Aapne kitne baar mere insta ke stories mein bhi aapne suna hoga ki mere mantras already background mein chalte rehte hain main jab stories dalte rehti hu. My fifth tip will be petting. कोई एक ऐसा प्राणी एनिमल पेट करो, फॉर एग्जाम्पल डॉग हुए, कैट्स हुए, वॉट एवर यू पीपल लाइक. बिकॉज पेटिंग से क्या होता है, द स्टडी हैज प्रूवन दैट कि इफ यू आर पेटिंग योर डॉग, अगर आप एक अच्छा डॉग लेके आते हो उसको संभालते हो, मैक्सिमम 80-90% स्ट्रेस रिलीवर आर डॉग्स. सो ट्राई डूइंग दैट.
डॉग में अपने चीजें एंगेज करो बिकॉज दे गिव लॉट ऑफ प्लेजर टू अस. माय सिक्स्थ एंड लास्ट टिप विल बी स्लीप. देयर इज नो बेस्ट थिंग और मेडिसिन व्हाट आई हैव सीन. मुझे तो नींद आती नहीं है बट यस आई हैव सीन फ्रॉम माय पेशेंट्स माय फ्रेंड्स आफ्टर हैविंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्लीप माइंड फ्रेश हो जाता है. जूनी चीजें थोड़ी सी माइंड से निकल जाती है, रिलैक्स हो जाता है एंड इट हेल्प्स यू लॉट टू कम आउट ऑफ योर स्ट्रेस. व्हेनेवर यू गेट टाइम गो टू स्लीप. व्हेनेवर यू गेट टाइम यू गो टू स्लीप ट्राई स्लीपिंग लॉट. उसे माइंड रिलीज रहता है सो इट विल अगेन हेल्प यू लॉट. मैंने आपको जो सेकेंड टिप बताई थी लाफ्टर की, लाफ्टर में वॉट I believe कि laughter is the best medicines. मतलब in that case you can watch good movies. जिसको action movies पसंद है action movies they can watch. जिसको comedy पसंद है I personally like comedy movies. तो if whenever my mood swings या मेरा mood down होता है I try to search some good comedy movies. So guys that's all for now. छोटा सा वीडियो था लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ा सा जरूरी लगा कि मैं आपके साथ ये चीज वो शेयर करूं. बिकॉज एज अ डॉक्टर आई हैव सीन मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं विद लॉट ऑफ स्किन इन्फेक्शन, हेयर फॉल, ये रिंकल्स, ये सब चीजें, अंडर आई डार्क सर्कल्स, ये चीजें का कहीं ना कहीं इट्स नॉट एवरी टाइम बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी इन योर बॉडी. इट्स नॉट एवरी टाइम बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग, व्हाट यू आर नॉट. इट्स बिकॉज ऑफ द रूटीन व्हाट यू आर फॉलोइंग एंड स्ट्रेस. स्ट्रेस लेवल ज्यादा होने के कारण ये बहुत सी चीजें लोगों में आजकल पाई गई है. एट वेरी यंग एज, अर्ली एज, 18 ईयर्स के भी बच्चों के हेयर ग्रे हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहे हैं, अंडर आइज डार्क सर्कल्स है. सो दीज आर नॉट द एजेस फॉर ऑल दिस थिंग्स. उनकी डेफिशिएंसी नहीं है, देयर हेल्थ लुक्स गुड. बट व्हाई देन आई स्टडीड एंड आई केम टू नो कॉर्टिसोल लेवल जो होता है वो अपने बॉडी में इंक्रीज हो रहा है एंड ऑक्सीटोसिन जो है वो डिक्रीज हो रहा है. ये सब चीजों के वजह से थोड़ा सा इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स के वजह से शायद स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है, एंजाइटी ज्यादा बढ़ रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट इट लीड्स टू डिप्रेशन. सो आई रिक्वेस्ट माई फ्रेंड्स कि डोंट स्ट्रेस योर लाइफ मोर. लाइफ एक बार मिलती है, लिव योर लाइफ विथ योर पैशन. I say, yeah, live your life what the way you want. Don't think about others. अपने साथ जो लोग जुड़े हैं उनके लिए बहुत कुछ करो बट लेकिन उनके ऊपर डिपेंड या उनके ऊपर अपनी पूरी लाइफ मत डालो. आप अपने लिए भी थोड़ा सा जी के देखो, अच्छा लगेगा. You will feel better. As I always say, stay fit, stay healthy and keep smiling. Love you guys. Take care.